दोस्तों, आज मैं आपको नज़ले के बारे में बताऊंगा। कितना ही पुराना नज़ला हो, कैसा ही पुराने से पुराना नज़ला रहता हो, आपको ज़ुकाम रहता हो और उससे जो है खांसी बुखार आ जाती हो नज़ले की वजह से। ख़ास तौर से पुराने नज़ले के लिए मैं आपको ये आज अपना नुस्खा बता रहा हूँ। घरेलू उपाय है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर जो आप इसको करेंगे तो 100% आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चाहे कितना ही पुराना आपका नज़ला हो। नज़ला नाक बहती हो, नाक ठसी हुई हो और हर वक्त पीला पीला नाक में से पानी चलता हो और नाक बहती हो, उसके लिए मैं सबसे बेहतरीन आज आपको नुस्खा बताऊंगा घरेलू, जो घर घर पर ही आप कर सकते हैं। दोस्तों, नज़ले से बहुत लोग परेशान रहते हैं और नज़ला जो है आदमी के सिर में दर्द रखता है हर वक्त, और हर वक्त जो है आदमी जो है सोया सोया सा और ख़ुद बॉडी जो है उसकी तंदुरुस्त नहीं रहती नज़ले की वजह से। और नज़ले का पानी हर वक्त चलता रहता है नाक के ज़रिए, बहुत सो रुमाल रखना पड़ता है, हर वक्त साफ़ करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको आज पुराना से पुराना एक बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा, जो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को बहुत कम प्यार मिल रहा है। घरेलू इलाज जावेद के नाम से है मेरा इलाज, मेरा चैनल। आप जो है नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मैं आपको कैसी वीडियो बनाऊं, कौन सी आपको बीमारियां हैं, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप जो है मेरे चैनल पर बहुत कम प्यार दे रहे हैं, इस वजह से मैं थोड़ा आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप जो है मेरे चैनल को प्यार दें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लिख लो, कॉपी पेंसिल ले लो, बहुत बेहतरीन नुस्खा है। इसमें 10 ग्राम हलीला बहेड़ा लिख लो। नंबर एक, 10 ग्राम हलीला बहेड़ा। नंबर दो, 10 ग्राम तुखम खतमी। और नंबर तीन, 10 ग्राम गाव ज़बा। नंबर चार, 10 ग्राम हलीला बहेड़ा तुखम खतमी गाव ज़बा हंसराज, 10 ग्राम हंसराज और 10 ग्राम मुलहटी। इसमें पांच चीज़ें हैं। नंबर एक, हलीला बहेड़ा 10 ग्राम, तुखम खतमी 10 ग्राम, गाव ज़बा 10 ग्राम, हंसराज 10 ग्राम और मुलहटी। ये चार पांच चीज़ें हैं। आप इन्हें जो है एक गिलास पानी में पका लो और जब ये आधा रह जाए तो थोड़ी चीनी डाल करके सुबह शाम आप इसको ले सकते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोबारा समझ लो, सबसे पहले हलीला बहेड़ा, हलीला बहेड़ा तुखम खतमी हंसराज और हलीला बहेड़ा तुखम खतमी हंसराज और मुलहटी, ये आप ले ले करके और इन्हें जो है पानी में पका लो। पानी में पकाने के बाद जो है जब आधा पानी रह जाए तो उसमें थोड़ी चीनी डाल करके इस काढ़े को ले सकते हैं। ये काढ़ा है, बेहतरीन चीज़ है, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। चाहे कितना ही पुराना आपका नज़ला हो, नज़ले के लिए है, ये नज़ले के लिए बेहतरीन चीज़ है, आप इसको ले सकते हैं। फिर मैं उसके बाद फिर भी कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें जो नए हो आप चैनल पे, और लाइक करें, कमेंट करें। अगर जो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करके कमेंट करें कि आपकी मतलब वीडियो में ये कमियां हैं। जय हिंद।